हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू ब्यूटी। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज का वीडियो एक बहुत ही जबरदस्त 7 डे स्किन केयर चैलेंज है जो आपके चेहरे के फेशियल हेयर, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस सबको दूर करके आपको हेल्दी ग्लोइंग स्किन देने वाला है। बहुत ही बढ़िया है, नेचुरल है, इजी है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ आपकी किचन में है, उसे यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस अमेजिंग फेस पैक को बनाना कैसे है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसे फिर यूज कैसे करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए 1 चम्मच चावल का आटा, राइस फ्लोर, 1 चम्मच वीट फ्लोर, गेहूं का आटा, 1 चम्मच हनी, शहद, 1 चम्मच दही। दही घर की बनी हुई होनी चाहिए, फ्रेश दही, बाजार की दही नहीं लेनी आपको। 1 चम्मच रोज वाटर, 1 चम्मच मिक्स करके पेस्ट बना लें। फेस पैक बनकर तैयार है। आपने इसे डेली यूज करना है 7 दिनों तक। आपके चेहरे के फेशियल हेयर, ब्लेमिशेस, आपकी रंगत कम हो गई हो, पिगमेंटेशन, ये सबको दूर करके आपको हेल्दी ग्लोइंग स्किन देने वाला है। इजी है, नेचुरल है। नेचुरल चीजों के दोस्तों कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ये फायदा ही देने वाली होती हैं। और फायदा भी इनका ऐसा होता है जो हमेशा के लिए होता है। आपने अपने चेहरे को पानी से धोकर थोड़ा सा मिक्सचर लेकर नीचे से ऊपर को मसाज करते हुए लगाना है। ऐसे 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें। फेस पैक सूख चुका है। अब आपने इसे नीचे से ऊपर को मसाज करते हुए पैक को उतारना है। मसाज करते हुए फेस पैक उतारने के बाद आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर लें। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपने रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से इसे रिमूव करके जितना भी रिमूव हो जाए उसके बाद आप टैप वाटर से वॉश कर लें। चेहरा पानी से वॉश कर लिया है, क्लियर ग्लोइंग हेल्दी शाइनी स्किन। इतना जबरदस्त फेस पैक है दोस्तों, 7 डे चैलेंज है। 7 दिनों में आपके चेहरे के फेशियल हेयर, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, आपकी रंगत कम हो गई हो,
ये सबको दूर करके आपको हेल्दी ग्लोइंग क्लियर स्किन देने वाला है। बहुत ही बढ़िया है, नेचुरल है। नेचुरल चीजें दोस्तों हमारी स्किन के लिए वैसे ही बढ़िया होती हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। फिर भी दोस्तों आप अपने चेहरे पर कोई भी चीज लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि हर एक की स्किन अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है जो मेरी स्किन पर सूट करा है वो आपकी भी स्किन पर सूट करे, तो इससे बेटर है कि आप पहले पैच टेस्ट कर लें उसके बाद यूज करें। नेचुरल है, इजी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे घर पर है। उसे बनाना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों बनाइए, लगाइए, अपनी स्किन को हेल्दी ग्लोइंग क्लियर बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये फेस पैक कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए गुड डे, बाय बाय।